आपको पता है ना मैं वॉच शिफ्ट हूँ, और मैं अब शिफ्ट होने वाली हूँ। आपको पता है बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल होने वाला है, वहाँ देखो बब्बी कितना ज़्यादा हंसी स्माइलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है मम्मी जी। और आज हम लोग एंटरटेनर में हूँ मोमेंट बड़े सब लोग आपको पता है कि लॉग रेडी हो गया और हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं अपने घर में। समझ लो नए वाले घर पे। हाँ आज ही जा रहे हो क्या नए वाले घर आज? और देख सकते हैं आप पूरा का पूरा मॉल दिख रहा है, उस मॉल में मैं खड़ी हो रखी हूँ, मैं आपको दिखूंगी नहीं क्योंकि वो मेरा परछाई है। परछाई जो आती है मेरी। हेलो दोस्तों, हम लोग ब्लॉग वापस से नहीं कर पाए थे क्योंकि मम्मी ने फिर फोन बंद कर दिया था, तो इसलिए अभी मैं दिखा रही हूँ। और वो जो वहाँ पे तिरंगा आप भी देख सकते हैं, और यहाँ पे देख रहे हो आप बहुत सारी गाड़ियाँ चल रहे हैं, और ये देख सकते हो पूरे के पूरे फूल से आ रहे हैं, देख रहे हो आप, और बिल्डिंग से भी आ रहे हैं। पर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है। एक्चुअली फोटो करा देती हूँ, भगवान जी की फोटो है, और देख सकते हैं पूरी को पूरा हॉल कितना अच्छा जा रहा है देख रहे हैं आप। और एक बच्चा जा रहा है उसके मम्मी आ रही है। काफ़ी शूट कर लिया, बाकी बातें शूट करना बंद कर दो। नहीं मम्मा मैं बहुत ज़्यादा शूट करूँगी, मेमोरी थोड़ी सी बंद कर लेती हूँ, मम्मी बोल रही है मेरी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये माई का व्लॉग बना रही थी, ये हमारा शिफ्टिंग वाला व्लॉग है। तो फाइनली हम अब शिफ्ट हो चुके हैं दिल्ली से नोएडा, तो ये हम नोएडा में एंटर कर चुके हैं शिफ्टिंग। फिर उस दिन के बाद सारा सामान शिफ्ट हो गया, तो ये सामान देखिए ऐसे ही रखा हुआ था इधर इधर। उसके बाद जो है फिर इच्छा भी नहीं हुई व्लॉग बनाने की, काफ़ी थक चुके थे। तो ये नेक्स्ट डे की है, ये जो व्लॉग है ये ना मिक्स करके है, मतलब क्लिप्स में है। देखिए हम चूल्हे में खाना नहीं बना सकते, चाय जो है इंडक्शन में बना रहे थे। सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेता है इंसान ना हर चीज़ का, क्योंकि जब तक पूजा नहीं हुई तब तक हम खाना नहीं बना सकते थे घर में। तो क्या किया कि चाय जो है इंडक्शन में बना ली हॉल में ही। और ये देखिए अभी भी काफ़ी काम जो है हमारा चल रहा था, मतलब वुडवर्क का भी चल रहा था और साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो है इलेक्ट्रिशियन का जो काम है, मतलब फिटिंग्स का काम जो था बिल्डर की तरफ से, वो भी चल रहा था। बैकग्राउंड में आएगा ना वीडियो देख रही है तो उसका नॉइस आ रही है। एनीवेज तो ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो चुका है घर, काफ़ी हद तक मतलब फिक्स हो चुका है कि घर में जो सामान जहाँ रखना है ना हमने उस रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो ये काफ़ी हद तक शिफ्ट हुआ है, पर हालत बहुत ख़राब थी शिफ्टिंग से पहले से ही, मतलब जब हम लोग घर पे थे दिल्ली में तभी भी काफ़ी हद तक हालत ख़राब थी, क्योंकि हम लोग पैकिंग कर रहे थे और मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई। अच्छा ऐसे निकलता है, उधर से उठाना पड़ेगा पापा ज़्यादा, वो भैया थोड़ा सा हाथ लगा देना। हाँ एक्चुअली ना इस टाइम पे बहुत सामान मेरा जो है ख़राब हुआ, ये जो दीवान का बेड था इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई शिफ्टिंग के टाइम पे, पीछे के एक लकड़ी में थोड़ा सा इशू आ गया, तो वही कारपेंटर से ना ठीक करवा रही हूँ, क्योंकि अभी कारपेंटर लगे हुए हैं घर पे, मतलब लगे क्या लास्ट से था इनका भी, ये भी सारा वाइंड अप करके जाने वाले थे। तो मैंने कहा जाते जाते मेरा जो टूट गई है लकड़ी, इसको ये लकड़ी टूट गई है इसको ठीक कर देना, तो वही करवा रही हूँ कारपेंटर भैया से। तो ऐसा है शिफ्टिंग में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, फ्रिज भी मेरा एक तरह एक जगह से ख़राब हो गया, ये वाली अलमीरा देखो पूरी की पूरी टूट फूट के देखो बांध रखी है, इसको भी अभी ठीक करवाऊंगी कारपेंटर भी ऐसे। तो मेरा इतना सामान ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ शिफ्टिंग, लॉस इन द सेंस कि टूट फूट बहुत हो गई सामान की, और इस वजह से बहुत दुख हुआ। सामान ख़राब होते हुए देखना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो ये देखिए इनसे शिफ्ट कर इनसे ठीक करवा रही हूँ भैया से दीवान कम बेड, और बहुत हालत ख़राब थी तबीयत, जैसे मैंने बताया ठीक नहीं थी, खांसी जुकाम मुझे पहले से था, डस्ट एलर्जी हो गई थी बहुत ज़्यादा तरीके बुरी तरह से,
तो इस वजह से थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो गई। और ये देखिए माइक अरेस्ट कर रही है, चीज़ें जहाँ जहाँ लगनी थी वहाँ वहाँ समेट दी हैं जैसे जैसे हो सकती थी, क्योंकि हमें इतनी जल्दबाजी में शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि माइका का स्कूल स्टार्ट होने वाला था और वो स्कूल जो है उसे मैं टाइमली भेजना चाहते थे ऑन टाइम, तभी इस वजह से मैंने जो है सोचा कि चलो शिफ्ट हो जाते, थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम है वो पीछे होते रहेंगे बैकग्राउंड में, तो इस वजह से ये था। बोलो माही, पोपट हो गया। दो तीन ही थे वो, और कितने थे? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर चलते हैं और फिर देर में दिस एंटरटेनमेंट फ्रेश एंटरटेनमेंट या दिस एंटरटेनमेंट आरी आरी है अरे फिर ये चीज़ डे डे आरी आरी है अरे फिर ये डे कितनी अच्छी सीनरी है। बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर कि सीनरी क्या होती है बताइए। कल के ब्लॉग में अरे सॉरी सॉरी मम्मी से तो मिलाया नहीं मैंने। और वहाँ पे मम्मी काम करती है। अरे यार उनको कुछ पता भी नहीं है। थोड़ा छोटा छोटा अरे अरे बंदा लगा रहे मम्मा आओ तो सही। क्या हुआ बोल जल्दी। मम्मी का तो पहले लो। क्या हुआ? अरे पहले लो मम्मी। अरे रिकॉर्डिंग किसकी हो रही? मेरी हो रही है। आप देख सकते हैं आज ही मैं ब्लॉग बना रही हूँ अपने घर का। आपको पूरी दिखाई नहीं है कि आपको रूम दिखाएगा, पर ये टॉयलेट है, बस टॉयलेट का दिखा के नहीं बस नील का ही है। इसमें मैं झूठ बोल रही हूँ टॉयलेट है पर मैं नहीं दिखा सकती आपको। साइकिल मिली थी तो बस मेरे को डोरी पसंद नहीं आया। पहले पूछती हूँ डोरी सिंडी क्या होती है? कितनी अच्छी सिंडी है। और देख सकते हैं ये सिंड्री का नाम लेके सिंड्री सिंड्री बुलाते हो। सिंड्री क्या होती है पहले बताओ। ये तो मैं आपके एल्बम खोल कर बताऊं। अब देखती हूँ कार्ट में। बज गई घंटी। तो फ्रेंड्स ये घर ऐसे ही फैला हुआ है, अभी इसको समेटना है, बहुत बड़ा टास्क है। तो चलिए समेटने के बाद आपसे मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।